देखिए आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पिछले जब प्रधानमंत्री आए थे तो हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें हमारे पलटू चाचा बैठे हुए थे और साथ में जितने लोग थे, प्रधानमंत्री जब नारा लगा रहे थे तो उनको सहयोग कर रहे थे, लेकिन हमारे पलटू चाचा असहज महसूस कर रहे थे। अब क्या दिक्कत थी ये तो वही बताएंगे, लेकिन आज दिलचस्प होगा ये देखना कि जब प्रधानमंत्री नारे लगाएंगे तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले कि कुछ नारों के बारे में चर्चा की जा रही थी कि आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं नारे नहीं लगाते हैं। जो लोग चीख चीख करके कह रहे थे चुनावी भाषण में, क्या अब वो मुख्यमंत्री के बारे में ये बात बोलेंगे? तो ये तो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात जहाँ तक है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बालिका गृह जो कांड हुआ, जिसमें कि भाजपा के मंत्री से लेकर के कई ऐसे लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री तक का इन्वॉल्वमेंट है और मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 11 बच्चियों का जो शव जो है, हड्डी बरामद की गई है, पूरे पर्याप्त सबूत है। और इतना अमानवीय व्यवहार जिस प्रकार से बच्चियों के साथ किया गया, ये देश में ऐसी पहली घटना है। और मुख्यमंत्री ने पूरी तौर पे संरक्षण देने का काम किया। 2 महीने बाद FIR होता है, वो भी प्रॉपर नहीं होता है। CBI के इंटरिम डायरेक्टर को सज़ा मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी नीतीश कुमार जी का मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि साफ और साफ उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रधानमंत्री जी इस बारे में जिक्र करेंगे, और मैं तो चाहूँगा कि गवर्नर साहब तुरंत नीतीश सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। इस तरीके का काम, घिनौना काम, पाप मैं कहूँगा, ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। एक दुर्योधन बैठा है, एक रावण बैठा है। तो इस तरीके का जो कांड हुआ है, दिल दहला देने वाला कांड हुआ है, और जिसपे पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने मूछ वाले, तोंद वाले जितने अंकल थे, मंत्री लोग थे, अभी भी उनको बचा करके रखने का काम किया गया है। अब तो पूरे पर्याप्त सबूत के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। चाचा जी का अंतरात्मा कहाँ गया? बार बार तो अंतरात्मा जागता था, अब तो बंगाल के खाड़ी में लगता है डूब मरा है क्या उनका अंतरात्मा? तो इस पर जवाब दें।